एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाई मीन्स ऑफ सेवरल प्रोसेस विच ऑफ द प्रोसेस रिजल्ट इन द मैक्सिमम वर्क डन ऑन द गैस। तो देखो कैसा प्रोसेस है आपके पास, चलो ग्राफ ही ड्रॉ करते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन दिए हैं आपके पास। ये वॉल्यूम, ये है प्रेशर। उसने बोला है कि कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन हो रहा है तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक। चलो दो लेवल कंसिडर करता हूँ, एक लेवल ये मान लो यहाँ पर, राइट, और एक लेवल यहाँ पर मान लो। इसका जो वॉल्यूम है 2V मान लेना, यहाँ पर वॉल्यूम है V। तो अभी ग्राफ कैसे आएंगे, अगर चार ग्राफ, पहले जो आपका प्रेशर कांस्टेंट वाला ग्राफ ऐसे आएगा, राइट, वॉल्यूम घटा, बाद में यहाँ पर ये वाला ग्राफ ऐसे आएगा, बाद में ये ग्राफ होगा ऐसे, एंड ये ग्राफ होगा यहाँ पर ऐसे। अभी कौन से ग्राफ है पहले देखेंगे हम लोग। सबसे पहला है हॉरिजेंटल ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट, चलो नाम देता हूँ मैं इसको ये। अच्छा ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं, आइसोथर्मल का कौन सा है, ये वाला ग्राफ है, एडियाबेटिक का ये वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्लोप एडियाबेटिक में होता है। आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब ये सी वाला ग्राफ है, नहीं डी वाला ग्राफ है। अभी देखो वर्क क्या होता है, वर्क इज़ द एरिया इनक्लोज बाई दी एरिया अंडर दी ग्राफ। अभी डी के नीचे तो एरिया नहीं है, मतलब डी तो कैंसिल है, बाद में सी के नीचे इतना एरिया आएगा। चलो कलर से शो करूँ क्या मैं यहाँ पर, ये आपका ब्लू कलर मतलब सी का एरिया आएगा, बाद में ये जो ग्रीन कलर मतलब क्या है यहाँ पर, ए का एरिया, एंड यहाँ पर रेड कलर, देखो रेड कलर किसका एरिया दिखाई दे रहा है, बी का एरिया। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, बी का, मतलब सबसे ज़्यादा वर्क किसका होगा, बी का। तो यहाँ पर वर्क अगर कंपेयर करोगे तो देखो सबसे ज़्यादा आ रहा है एडियाबेटिक का, बाद में किसका आ रहा है, ए, ए मतलब आइसोथर्मल, बाद में सी, सी मतलब, सी मतलब कौन है, आइसोबेरिक, लास्ट में कौन है, आइसोकोरिक। हालांकि आइसोकोरिक का 0 ही आने वाला है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा।